जान जाने की खबर आ रही है। रोडवेज बस ने 22 सवारों को रौंद डाला है। दोनों के मौके पर दर्दनाक मौत की खबर आ रही है। रोडवेज बस ने 22 सवारों को रौंदा है और दोनों की मौत की खबर है। बड़ी और अफसोसनाक खबर। अगली बड़ी खबर मिर्जापुर से है। वहां पर शेरवा पहाड़ी के जंगल में सिपाही का शव मिला है। जयमपुर में तैनात था सिपाही, 28 की रात को कार से घर के लिए निकला था। शेरवा बाजार में लावारिस हालत में सिपाही की कार गिरी। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। इधर अलीगढ़ में छेड़छाड़ से परेशान किशोरी ने जहर खाकर आत्महत्या की कोशिश की। दरअसल गांव के रहने वाले 3 लोगों ने किशोरी और उसके परिजनों को बदनाम करने के लिए फेसबुक पर लड़की का फोटो अपलोड कर दिया था। साथ ही तीनों युवक किशोरी पर बात करने के लिए दबाव बना रहे थे और इसी बात से परेशान होकर युवती ने जहर खा लिया और अब वो गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती। इस मामले में मुकदमा दर्ज है और घटना के 22 दिन बीत जाने के बाद भी पुलिस आरोपियों को पकड़ नहीं पाई। पुलिस ने आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए 3 टीमें गठित कर दी। अलीगढ़ से आ रही इस खबर।